पूछता है क्या वो कुछ कहता है क्या प्रेजेंट इन द प्रिंट सेंटेंस की परिभाषा बताइए, ता है ती है ते है कौन सा सेंटेंस है, चुका चुकी कौन सा सेंटेंस है, पूछता है क्या। मैंने इंटरव्यू कर दिया तीन लड़कियों का, पर्सन एमबीए कर रखा था, मैंने कहा जी सर जॉब चाहिए बहुत बढ़िया ये वो, मैंने कहा ठीक है कितने पढ़े इतने, मैंने कहा अच्छा वो तुलसीदास का जीवन परिचय सुना, सर ये कैसा सवाल है, मैंने कहा जो पढ़ के आई हो, मैंने तो नया कुछ नहीं पूछा ना भाई, यही पढ़ा है ना, मैंने वो पूछा जो आपने पढ़ा है, आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें अपने जीवन में खुद को ही नहीं पता हमें जाना कहां है, बस करे जा रहे हैं। मैं तो उस पर एक बात कहता हूं, कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी यारो, सफर भी रोज करता हूं और पहुंचता भी नहीं, रोज सफर कर रहे इधर उधर पहुंचते क्या नहीं, कंडक्टर को देखा नहीं पहुंचते हो, नहीं पहुंचता लेकिन सफर कर रहे। 95% लोग आप कर लेना और लोग रोक के पूछ लेना कि तुम्हारे घंटे की वैल्यू क्या, तुम किस लिए काम कर रहे पता ही नहीं है, अभी टाइम नहीं है कि मेरे पास, और मैं मेरे को जो लोग बोलते हैं ना अरे यार तुम्हारी बात सुनने के लिए टाइम नहीं मिला, मैं कहता हूँ सर मैंने एक बात पढ़ी भी नहीं, पर और मेरे सीनियर कहते थे जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता ना उनके पास पैसा भी नहीं होता। याद रखना सर्वे कर लेना, आपको जो बोले टाइम नहीं उसको बोलना 50,000 रुपए देना, देखे देखा गारंटी है मेरी अगर निकल जाए तो। माउथ टू हैंड है सब, ये सब चोचले एक वो कर रखा है, सराउंडिंग बना रखी है, मैं सब कुछ भी नहीं है, खोखला है सब कुछ, बीमार होगा तो मेडिकल पॉलिसी ले रखी है मैंने, उससे मैं इलाज करा लूंगा फ्री में, बाइक मैंने उस इंस्टॉलमेंट से ले रखे, इंस्टॉलमेंट में जिंदगी बीत जाती है, नौकरी ऐसी है दो पंच एक लंच जिंदगी खत्म, पता नहीं चला क्यों आए थे क्यों चले गए, यही हो रहा है ना, इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या। जब पढ़ रहे थे मेरे को मैंने सोचा एक बहुत अच्छी जॉब करनी है वहां पर जाकर, और मेरा ये सपना है एक बढ़िया बाइक तो ले ही लूंगा, नहीं मैं सोच रहा हूँ कार ले लूं, और जब सैलरी आती है हाँ कितने पड़े हो सैलरी 8,000, साइकिल से क्या चलने में ना क्या होता है एक्सरसाइज होती रहती है, एक्चुअली क्या हो रहा है क्यों बाइक लेनी थी आपको तो कार लेनी थी आपको, साइकिल पे कैसे आ गए, क्योंकि पैसा ही नहीं। फिट बॉडी से फिट नहीं पॉकेट से भी फिट होना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं इस बात पर काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है। ज्ञान की बात कोई बताता मजा नहीं आता, फोन में 4 घंटे में तो कहता हूँ भाई फोन में तो 4 घंटे लगा लो 2 घंटे इधर लगा लो, हर व्यक्ति आप सर्च कर लेना मिनिमम बता रहा हूँ 98% लोगों की बात करूंगा, चलो 95% की बात करता हूँ, कम से कम 2 से 3 घंटे कैलकुलेशन कर लेना फोन में खराब कर रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है। राकेश कहते हैं हमेशा कि 10x10 के कमरे में एक बंदा रहता है ना, तो वो 10x10 कमरे में नहीं ये छोटे से डब्बे में फंसा रहता है, उसको पता नहीं है कुछ भी हो रहा है, होता है ना ऐसा, क्या है ये लाइफ है क्या, इससे कुछ बदलेगा क्या, कभी नहीं बदल सकता। और याद रखना फॉरएवर आपकी पीढ़ियां बदलता है, फॉरएवर सिर्फ आपका जीवन नहीं बदलता, आपकी पीढ़ियों को चेंज करने की ताकत रखता है फॉरएवर। लेकिन ये कब होगा, जब मैं अपने अंदर कुछ चीजों को आने दूंगा झांकने दूंगा, और जब मैंने सोच लिया कुछ नहीं ढक्कन बंद है मैं कितना भी बोलूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। याद रखना एक दिन में जिंदगी कभी ना बदली है ना बदलेगी, लेकिन एक दिन लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगा। तो फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग को आज पढ़ा रहा है, भारत सरकार बोलती है पढ़ना है, एमबीए में पूरा का पूरा एक सेमेस्टर है, और उस सेमेस्टर में पढ़ाने के लिए जो बुक है ना उसमें फॉरएवर पूरी तरह पढ़ने चाहिए, सब लिखा है फॉरएवर। हम लोग आएंगे एमबीए करके, हाँ जी कोई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढो कौन सी है फॉरएवर लिखी, फिर हमसे मिलेंगे, फिर हम इंटरव्यू करेंगे, ये स्किल्स सिखाते हैं, माइंड सेट कैसे करना लोगों को पता ही नहीं, अभी पूछ लो लोगों को नहीं मुझे ना जॉब करनी है भैया, किस लिए पैसे कमाने के लिए, पैसे किस लिए घर चलाने के लिए, और कुछ नहीं करना, नहीं तो वो तो ऐसे बिना पढ़े भी मिल जाएगी नौकरी तो कहीं नहीं भाई, घर ही तो चलाना है, घर कैसे चलेगा, घर अपने जगह से तो हिलेगा नहीं, आपको उसमें रोटी सब्जी का जुगाड़ करना है, बस किराया आपको देना नहीं है इतना ही तो करना है, तो ऐसे भी मिल जाएगा क्या, अंगूठा छाप लोग नहीं कमा के खा रहे बताओ, तो क्या बदला जीवन, किस लिए पढ़े, किस लिए आप बड़े हुए, किया क्या बताओ ना, दो बदलाव बताओ जीवन में। और जो कहते ना मैं आई देविंदर सिंह जो यहां के नगर निगम कमिश्नर हैं, मेरे कस्टमर हैं, वो भी हमें से कहते हैं आप किसी मिल लेना हाई क्लास लोग से, क्लास वन अफसर से, आईएएस से मिलो आईपीएस से मिलो, तीन काम करता है जिंदगी में, एक वो घर बना लेगा बच्चों को पढ़ा लेगा और शादी कर लेगा, इसके अलावा कोई चौथा महान काम करके गया हो तो बताओ, आपके नजर में कोई ऐसा हो है कोई जिसका एक बड़ा सा बंगला है, बच्चे मर्सिडीज लेकर के और 1.5-2 लाख रुपए की बाइक लेकर घूम रहे हैं क्या कोई, वो बच्चे बिजनेसमैन हो गए,
नौकरी वालों के लिए कि नहीं नौकरी में फिक्स चाहिए, तो जहां फिक्स हो तो वहां फिक्स हो जाती जिंदगी, वहां से आगे